हेलो दोस्तों, वेलकम है हमारे एंड्रॉयड का हीरो में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे भी मोबाइल फ़ोन में आप पीएसपी के गेम्स कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे टेक्कन 6 जो नए नए लेटेस्ट लॉन्च हुई है वो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं मैं बताता हूँ। मेरा नाम है यासिर और आप देख रहे हैं एंड्रॉयड का हीरो। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, अगर मेरे स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल इजीली सीख जाएंगे। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। बिल्कुल वेरी इजी तरीका है ये। बस आपको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी, वो एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब वहाँ से डायरेक्ट वो लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वो एप्लीकेशन का फर्स्ट एप्लीकेशन का नाम है पी एस पी। वो ये देखिए, 10 मिलियन डाउनलोड है, 4.2 रेटिंग है। ये देखिए उसके इमेजेस देखिए, मैं यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ। बहुत ही इजी तरीका है दोस्तों आप डाउनलोड करने बाद। अगर आपका क्रोम है तो गूगल क्रोम ओपन कीजिए। ओपन करने बाद यहाँ पे टाइप कीजिए PPSSPP टेक्कन 6 बोल के टाइप कीजिए और सर्च बार में टाइप कर दीजिए। जो फर्स्ट वाला लिंक होगा ISO के नाम से, ISOPP के नाम से, आपको फर्स्ट वाले लिंक पे ही क्लिक करना होगा। दूसरे और लिंक पे मत क्लिक करिएगा आप। तो मैं फर्स्ट वाला लिंक ये भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पे देखिए डाउनलोड टेक्कन 6 USA दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे क्लिक कीजिए और स्क्रॉल डाउन करिए यहाँ से। ये देखिए डाउनलोड टेक्कन 3 MB दे रहा है। यहाँ देखिए 731 MB का है ये गेम। मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर लेता हूँ। ये देखिए मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। मैं बताता हूँ आपको डाउनलोड। ये देखिए ऊपर डाउनलोड हो रहा है मेरा। जब तक वीडियो को आगे बढ़ा डालता हूँ आप बोर ना हो, मैं वीडियो आगे बढ़ा डालता हूँ। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन की ज़रूरत है जेड आर्चीवो। जी हाँ दोस्तों, जेड आर्चीवो सबसे बेस्ट नंबर 1 एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे। आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ सिंपली यहाँ से ओपन करूँगा। ये देखिए ओपन कर लिया है मैंने। आपकी फ़ाइल यहाँ पर ढूंढिए कहाँ पर डाउनलोड में छुपी है, ऐसी ये फाइल रहती है। यहाँ पर एक्स्ट्रैक्ट हियर पर क्लिक कीजिए। ये देखिए कीप ऑन पे क्लिक कीजिए, कीप ऑन स्क्रीन टर्न ऑन पे क्लिक कीजिए। तो स्क्रीन बंद होना, लॉक मत डालिए आपके फ़ोन को। ये देखिए डाउनलोड कितना फास्ट हो रहा है। ये देखिए कुछ ऐसी टेक्कन US ऐसी फाइल आ जाएगी, पे क्लिक कीजिए, स्क्रॉल डाउन कीजिए, बिना क्वेश्चन मार्क के जो फाइल आएगी वहाँ पे टाइप कीजिए स्टार हियर टू आर्चीव, वहाँ पे क्लिक कीजिए और ये देखिए यहाँ पे हो रहा है डाउनलोडिंग। आपको फाइल में क्वेश्चन भी आता है। ये देखिए मेरे को यहाँ पे सारे क्वेश्चन मार्क है, कभी कभी क्वेश्चन नहीं आता है। आखिर की लास्ट वाली फाइल को आप टाइप करके एक्सट्रैक्ट हियर तो आर्चीओ नेम बोल के वहाँ पे टाइप कर दीजिए, आप ऐसा डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो मेरा डाउनलोड हो रहा है, एक्सट्रैक्ट हो रही है मेरी फाइल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये देखिए ऊपर फोल्डर में यहाँ पे क्लिक कीजिए, कुछ ऐसा तरह का आपको आएगा, ऐसे ही आपके फ़ोन में आएगा। तो मैं PSP ओपन कर लेता हूँ। आपकी फाइल जहाँ पे डाउनलोड हुई है वहाँ पे आप देख लीजिए कहाँ पे जाके एक्सट्रैक्ट हुई है। मैं यहाँ ये देखिए ऐसे नाम से सेव हो गई। ये देखिए टेक्कन 6 USA ऐसे नाम से सेव हो गई फोल्डर में। अब वहाँ पर सिंपली क्लिक कीजिए एमुलेटर के बाजू का एक ऐसा आएगा, वहाँ पर आप क्लिक कीजिए, IND बोल के लिखे हुआ वहाँ पे आइए। देखिए हमारी टेक्कन 6 रेडी है प्ले होने के चुके। ये देखिए मैं प्ले का बटन दबाता हूँ और यहाँ पे स्टार्ट का बटन दबाता हूँ। ये देखिए स्टार्ट होता ही है हमारी गेम।
मज़े उठाइए दोस्तों, ये गेम खेल के बहुत ज़बरदस्त गेम है। आप यहाँ पे गॉड ऑफ फायर जो बहुत बड़ी एमबी की है, अगर आपका पावरफुल डिवाइस है, अगर 6 GB रैम है, अगर सीपीयू अच्छा है, क्वालिटी का सीपीयू अच्छा है, तो वहाँ पे आप गॉड ऑफ फायर भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो भी PSP की गेम है दोस्तों। इसमें कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। USA की गेम है, ये चाइना की गेम है, मगर यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। यहाँ पे आप चूज कर लीजिए आप कौन से फाइट लड़ना चाहते हैं। मैं स्टोरी चूज कर लेता हूँ, यहाँ पे स्टार्ट का बटन क्लिक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स मिल जाते हैं, आप कैरेक्टर्स कोई भी चूज कर लीजिए। मैं ये कैरेक्टर चूज कर लेता हूँ, ये कैरेक्टर ने ये पीछे वाला कैरेक्टर चूज कर लेता हूँ, ये कैरेक्टर चूज कर लेता हूँ। सिंपली स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए स्टार्ट हो गई है हमारी गेम। ये देखिए राउंड वन दिखा रहा है। ये चले ये हो गई हमारी शुरू फाइट। आपको ये सारी एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वो वेबसाइट का लिंक भी मैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं गेम। दोस्तों आपके लिए मैं एक ट्विस्ट रखा हूँ, जो कि मैं हर वीडियो में रखता हूँ सस्पेंस के वास्ते। मैं ट्विस्ट आखिर में बताता हूँ आपको, वो ट्विस्ट बहुत अच्छा है, हर एक जने का होना ही चाहिए वो ऐप। आप खुद देख लीजिए वो ऐप। ऐप इरेजर नाम से ऐप है गूगल प्ले के ऊपर, वहाँ से आप सर्च बार में टाइप कीजिए, ये इरेजर नाम की एप्लीकेशन है, यहाँ से आप डाउनलोड पर क्लिक कीजिए। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ यहाँ से। मैं देखिए 10 मिनट डाउनलोड है, 4.4 रेटिंग है। यहाँ देखिए लोड ऐप फोटो पे क्लिक कीजिए, आपकी कोई भी फोटो। बहुत ईजी वे है दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल वे है बैकग्राउंड के चीज़ें हटाने के वास्ते। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है ये YouTube पे, बहुत ही जल्दी आप हटा सकते हैं कोई सा भी बैकग्राउंड। मैनुअल पे क्लिक कीजिए, फिर ऑटो पे क्लिक कीजिए, ये देखिए कितना जल्दी हट रहा है बैकग्राउंड। तो मैं दूसरी एक इमेज लेके बताता हूँ आपको, ये इमेज पे आपको सही नहीं दिख रहा होगा। मेरे YouTube चैनल की लोगों की इमेज लेके दिखाता हूँ मैं आपको। फर्स्ट मैं मेरी YouTube चैनल की पिक्चर ले लेता हूँ, लोगो ले लेता हूँ। ये देखिए ले लिया है मैंने, यहाँ पे डन पे क्लिक कीजिए, ऊपर मैनुअल पे क्लिक कीजिए। आधा हिस्सा तो आप ऐसा इरेस कर दीजिए आधे हिस्से को, फिर ऑटो पे जाइए जहाँ पे छोड़ना। ये देखिए पूरा बैकग्राउंड चले गया है। ये देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका है दोस्तों, आप ये इजीली डाउनलोड कर सकते हैं ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पे। इरेजर बैकग्राउंड नाम से है ये एप्लीकेशन, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए बहुत जल्दी और बहुत फास्ट हटाता है ये बैकग्राउंड आपका बैकग्राउंड। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूँ एक और नई स्पेशल वीडियो में, तब तक के लिए आप गुड बाय।